हर हर गंगे, हर हर महादेव। मित्रों, आज 30 दिसंबर 2021 और मेरे लिए तो हर दिन विशेष से भी विशेष है। जिस दिन मैं माँ के चरणों में हूँ, बाबा के चरणों में हूँ, इस हिमालय की पावन भूमि में हूँ, परंतु फिर भी मैंने एक प्रभु जी से सुना कि आज परम विशेष दिन है। आज के दिन शिव पूजा और माँ गंगा जी का जल बाबा भोलेनाथ जी को अर्पण करने से आज विशेष विशेष पुण्य लाभ प्राप्त होता है, ऐसा मैंने उन प्रभु जी से सुना। उनकी वीडियो भी मैं इस वीडियो के बाद अटैच कर रहा हूँ, आप देखिएगा, वो ज्यादा अच्छी तरह से उसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। मैं तो ये सभी कार्य वैसे प्रतिदिन करता ही हूँ, परंतु मैं भी आज कुछ विशेष ये कर रहा हूँ कि मैं भी आज इतनी सर्दी में सुबह सुबह माँ के चरणों में स्नान के लिए आ गया हूँ। और बाबा का भजन तो सुबह से चलता ही है हमारे मन में भी और घर में भी। माँ गंगा जी के चरणों में ये डुबकी आप सभी भाई बहनों के लिए, मेरी माँ के लिए, सभी मेरे जानने वालों के लिए। जय मेरी गंगा मैया, जय मेरे महादेव। आपको हो सकता है मेरे शरीर से भाप उठती हुई दिखाई दे रही हो। आनंद मेरी गंगा मैया के चरणों में आनंद। हर हर गंगे, हर हर महादेव। वाह आनंद। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। शिव शक्ति जी की जय हो, मेरी दुर्गा माता जी की जय हो, गौरी शंकर महादेव जी की जय हो, गणेश भगवान जी की जय हो, कार्तिकेय भगवान जी की जय हो, नाग देवता जी की जय हो, नंदी भगवान जी की जय हो। जय जय मेरे बोले शंकर महादेव। हर हर महादेव। जय जय मेरी गंगा मैया जी की जय हो। हर हर गंगे, हर हर महादेव। जय मेरे बोले शंकर महादेव। मित्रों, आज जितना हो सके शिव भक्ति करें। आज बहुत विशेष दिन है, जितना हो सके मंदिर जाएं, जो आपको पूजा पाठ आती हो वो करें, बाबा का नाम लें, किसी भी रूप में लें, बाबा का नाम लेना है। ओम नमः शिवाय जो सबको आता ही है, उसका जाप करें। महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये गाड़ी के शीशे पर आप पाला जमा हुआ देख रहे हैं सफेद, ये बर्फ है जिसे पाला कहते हैं। अभी देखिए खुरचने से उतर भी नहीं रहा है। जय मेरे बोले शंकर महादेव। ओम नमः शिवाय। 30 तारीख को याद रखना है, विशेष करके पंचाक्षर मंत्र स्तोत्र का पाठ जितना हो सके इतना 30-12। अभी जो 30 तारीख आ रही है दिसंबर, 30 दिसंबर इस दिन सबको शिव जी की पूजा विशेष प्रकार से करनी है। और माक्षर मास आद्र नक्षत्र का दिन है, जरूर विशेष प्रकार से आप सब शिव पूजा, शिव दर्शन, पंचाक्षर मंत्र का जाप करेंगे। प्रातःकाल जल्दी उठकर भगवान महादेव को याद करेंगे, विशेष प्रकार से शिव की पूजा। शिवालय में जाने का अवसर मिले तो सही है, न जाने का अवसर मिले तो घर में जो शिवलिंग है उसकी पूजा करो, और घर में शिवलिंग नहीं है तो पार्थेश्वर महादेव निर्माण करके घर में भगवान महादेव की स्थापना करो। ये न हो सके तो शिव महाप्रद ग्रंथ की पूजा करो, वो भी शिव जी का वांग्मय स्वरूप है, उनकी पूजा करके शिव महाप्रद ग्रंथ का थोड़ा सा पाठ करें। जो आपके वहाँ कहीं बिलवृक्ष है तो उसके नीचे भगवान महादेव को याद करके दीप प्रज्वलित करें, बिलवृक्ष को परिक्रमा करें, बिलवृक्ष के नीचे जो मिट्टी है उनमें से शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा कर सकते हैं। विशेष प्रकार से कोई साधना उपासना 30 दिसंबर के दिन जरूर करने चाहिए। सुबह में शिव जी का दर्शन करें, मध्याह्न शिव जी का दर्शन करें, संध्या समय महादेव का दर्शन करें, हो सके तो शाम के समय शिवालय में दीपमाला करें, और हो सके तो शिवालय को थोड़ा सा सजाओ, विशेष प्रकार से प्रसाद अर्पण करें, हो सके तो उपवास, उपवास न हो सके तो एक समय भोजन करके भी कर सकते हैं आप। आपको जो अच्छा लगे वो करें,
लेकिन दीपमाला शिवालय के पटांगण में रंगावली और शिवालय के आसपास सुंदर सुशोभित आप निर्माण करो, ऐसा प्रार्थना के साथ गांव-गांव में जिस गांव में कथा सुन रहे हैं आप भी और आपको सबको गांव को कहिए कि 30 तारीख दिसंबर माक्षर मास आद्रा नक्षत्र है, विशेष प्रकार से शिव जी का दर्शन, विशेष प्रकार से महादेव को दीप अर्पण करें। बहुत दिल से कहता हूँ ये दिन बहुत शुभ है, 100 महाशिवरात्रि के बराबर ये दिन कहलाता है और भगवान महादेव ने कहा है कि कोई माक्षर मास आद्रा नक्षत्र में मेरा दर्शन करता है वो मुझे कार्तिक समान प्रिय लगता है। इसलिए भगवान शिव जी को प्रिय होने के लिए इस दिन कभी नहीं भूलना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा शिव भक्तों को मेरी प्रार्थना, प्रचार करो आप। हमने तो सोशल मीडिया के माध्यम से लिख दिया सभी स्थानों पर, आप भी थोड़ा सा वेग पकड़ा और सबको मालूम पड़े कि 30 तारीख को शिवालय में जाना चाहिए, 30 दिसंबर के दिन जरूर महादेव का दर्शन, जिनको पता नहीं उसको कहो, आपके माध्यम से वो शिवालय पहुंचेगा और उसका कोई काम हो गया, उसका कोई काम बन गया, उनके जीवन में कोई नई रोशनी आ गई, उनके जीवन में कोई दुख का विराम हो गया तो उनका आशीर्वाद आपको मिलेगा। इसलिए मैं तो अकेला नहीं, आप मेरे सब साथ में हैं, थोड़ा सा आप भी सब प्रचार